पौराणिक नगरी रतनपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ चारों ओर आज भी प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिन्हें सहेजने की जरूरत है। वहीं कुछ को केंद्रीय और कुछ को राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया। उन्हीं में से एक माँ महामाया देवी का मंदिर भी है। माँ महामाया मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। यहाँ ये बताना लाजमी होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होने का रिकॉर्ड यहीं का है। आपको बता दें कि सिद्ध शक्ति पीठ माँ महामाया देवी मंदिर का गर्भगृह करीब 11 शताब्दी का माना जाता है। वहीं शिलालेख में मंदिर के मंडपम का जीर्णोद्धार अप्रतिम राजा वहरेंद्र के द्वारा श्री संवत 1552 सन 1495 में कराया गया था। माँ महामाया देवी मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर लगे शिलालेख का अनुवाद रिटायर्ड राहुल कुमार सिंह पुरातत्व वेत्ता रायपुर के द्वारा किया गया। प्रथम शिलालेख में लिखा है कि पुरंदरों की नगरी रत्नपुर देवताओं और मनुष्यों के लिए भी दुर्गम है। पृथ्वी की रक्षा में अप्रतिम राजा वहरेंद्र वहां स्वयं निवास करते हैं। इस स्थान पर 1000 अश्व के साथ 60 गज भी है, जो अग्नि से भी अधिक तेजस्वी और युद्ध में शत्रुओं के विनाशक हैं। यहां गोविंद नामक रत्नपुर के नगरपति हैं, जो राजा वाहर के प्रत्येक कार्यों में सेवक हैं। अपनी सहृदयता के लिए ज्ञात गोविंद सभी जीवों के रक्षक हैं तथा अपने स्वामी के राज्य के सभी दायित्वों के भार साधक हैं और जो निष्पादन या निरुद्ध के क्षमतावान हैं। वहीं दूसरे शिलालेख में लिखे शिलालेख का हिंदू अनुवाद इस प्रकार है, ओम श्री विश्वकर्मा को नमस्कार। सूत्रधारों में कोकास, कुलदीपक, छित्कु शिल्प शास्त्र के लिए ज्ञात है तथा जिनका हृदय दया से परिपूर्ण है। देवताओं और गुरुओं के प्रसाद से वो पंच विद्याओं का सागर रेखा शास्त्र का ज्ञाता गुणवान और सत्यवादी है। काष्ठ, पाषाण और सुवर्ण शिल्प भी सूत्रधार छित्कों के लिए कार्य सुगम है। विज्ञानों में विज्ञान यांत्रिकी विद्या का वो धारक है। सूत्रधार छित्कु वंक और चित्र वंक लता पत्रादि तथा त्रिताल सप्ताल का भी ज्ञाता है। ममथ का सुपुत्र सूत्रधार छित्कु विज्ञानों का आदर्श ज्ञाता है, जिसका चित्त केशव में रमता है। त्रयी के प्रति समर्पित उसका छोटा भाई मांडन शास्त्रों का अध्येता है। ब्रह्माणों के प्रति जिसके मन में भक्ति भाव है। ज्योति विद्या के साथ विश्वकर्मा की कृपा से मांडन सर्वगुण संपन्न है। अपने भाई के प्रति समर्पित व सुशील उत्कीर्णक रूप कर्मी दित्यन विज्ञान व गुरुओं के लिए प्रशंसित है। सदा शुभ हो श्री संवत 1552। ये प्राचीन शिलालेख दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे पढ़ने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।